Assalamualaikum. मैं रिजवान जमील लर्निंग लैंग्वेज टीचर फॉर GCE एंड IGCSE फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज एंड फाउंडर ऑफ वर्स विजन एंड वाइटैलिटी। आज आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, फ्रेजेस पे बेस्ड है, शॉर्ट वीडियो है और ये अगेन अ वीडियो इन मोबिलिटी। सिंपल फ्रेजेस हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन वाले फ्रेजेस हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए इक्वली जो मिस्टेकन होते हैं वो आपने करेक्टली यूज करने हैं, बाज दफा पता नहीं चलता और वो गलत लिखे जाते हैं इक्वली बाय द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, इंग्लिश टीचर्स। तो पहला फ्रेज है हमारे पास इन द चेयर, इन द चेयर। अभी डिबेट ही होती है कि ऑन द चेयर होता है कि इन द चेयर होता है, तो दोनों ठीक है। इन द चेयर का मतलब है कि चेयर के आर्म्स है, चेयर के दो साइड पे बाजू है और आप चेयर के बीच में बैठे हुए, तो वो होता है इन द चेयर, इन द चेयर। एक और इसका मीनिंग होता है कि इन द चेयर जो बंदा अथॉरिटी में बैठा हुआ है, इन द चेयर कुर्सी में। तो बेसिकली हम यूज करते हैं इन द चेयर, आर्म्स वाली चेयर और आप उसमें बैठे हुए। और दूसरा क्या होता है, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। ऑन द चेयर का मतलब है कि चेयर पर, सीट पर, कुर्सी पर, तो उसके आर्म्स नहीं होते। और मोस्टली हमारी जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स होती है, मोस्टली कुछ के आर्म्स भी होते हैं वो इन द चेयर हो जाएगा और जिसके आर्म्स नहीं होते वो है ऑन द चेयर। इसी तरह के दो फ्रेजेस और हैं, वो क्या है, ऑन द बेड, ऑन द बेड, बिस्तर पर। तो ऑन द बेड क्या होता है, जब आप बेड पर है, आपके ऊपर कोई चादर, शीट या कंबल या ब्लैंकेट नहीं है, क्विल्ट नहीं है आपके ऊपर, तो क्या होगा, ऑन द बेड। और जब इन द बेड होगा तो वो क्या मतलब है कि आपने अपने ऊपर चादर ली हुई और आप लेटे हुए, चादर है, कंबल है, रजाई है, क्विल्ट है, ब्लैंकेट है, जो भी है। तो क्या होगा idiom, क्या फ्रेज होगा हमारे पास, इन द बेड जब आपके ऊपर कोई शीट होगी, कोई चादर होगी, और ऑन द बेड जब आपने लेटे हुए बैठे और आपने ऊपर कुछ नहीं लिया हुआ, तो दैट इज ऑन द बेड। तीसरा हमारे पास फ्रेज है, जो सेट ऑफ फ्रेज है वो है हमारे पास ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम है और उर्दू वाला और इन टाइम। तो इन टाइम क्या होता है, वक्त से थोड़ा सा पहले, वक्त से थोड़ा सा पहले। जिस तरह स्टूडेंट्स को और टीचर्स को स्कूल इन टाइम पहुंचना होता है या आपने एयरपोर्ट पे इन टाइम पहुंचना होता है, तो इन टाइम क्या होता है, वक्त से थोड़ा सा पहले। और ऑन टाइम, ऑन टाइम एग्जैक्टली उस राइट टाइम पे जब आपने पहुंचना है, अपॉर्चून टाइम पे। ये एक अच्छा एडिशन है इसमें अपॉर्चून का वर्ड। तो इन टाइम एंड ऑन टाइम, जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं हम। पहला सेट ऑफ फ्रेज था हमारे पास ऑन द चेयर, इन द चेयर, ऑन द चेयर, कुर्सी के ऊपर, इन द चेयर, आर्म्स वाली कुर्सी उसके बीच में। दूसरा सेट ऑफ फ्रेज था हमारे पास ऑन द बेड, बेड के ऊपर लेटे हुए, और इन द बेड, ऊपर अपने चादर या कंबल या रजाई ली हुई है, इन द बेड। और तीसरा हमारे पास है ऑन टाइम, ऑन टाइम वक्त पर एग्जैक्टली, और इन टाइम वक्त से थोड़ा सा पहले। तो ये सारी जितनी मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, जो फ्रेजेस हैं ये सारी इम्प्लीमेंटेशन वाली है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्पेशल इंग्लिश टीचर्स। तो इसको जरूर जो है वीडियो को देखिए और अपने सारे कोलीग्स, टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स सब अपने शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि एक करेक्ट लर्निंग जो है वो राइज हो मुआशरे में फॉर बेटर लर्निंग ऑफ इंग्लिश। स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।